सब लोग आ गए भाई, तो फिर से अपना वही चलते हैं उसी पे। यस सर। तो ये प्रोग्राम कर रहे थे, हमको करना क्या था कि इसमें हमको यहां पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया वाई, और वाई क्या कर रहा है, y ब्लैंक स्पेस का कैलकुलेट करेगा। हमने एक लूप लगा दिया फॉर x इज इक्वल टू जीरो सेमी कोलन हाँ, तो इसमें मैंने क्या किया, एक्स एस एक्स नॉट इक्वल टू, मतलब कंडीशन वही लगाएंगे, मतलब कंडीशन में कोई वो नहीं है अंतर, एस एक्स इज नॉट इक्वल टू डैश जीरो यानी नल सिंबल और कॉमा एक्स प्लस प्लस। इसके साथ हमने दे दिया यहां पे, पहले इसको इनिशियलाइज यहां पे कर लिया, वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो सेमीकोलन, और यहां पे मैंने दे दिया कि इफ एस एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, तो ये क्या करना है हमको, हमको करना है y प्लस प्लस, यानी यहां पे हम ब्लैंक स्पेस काउंट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि कितने स्पेसेस हमारे सेंटेंस में हैं। क्लियर है? और यहां पर हमने एक f ले लिया जो फ्लैग का काम करेगा, जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है, जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है। और यहां पे जब ये वाला प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसने कर लिया, और जैसे ही यहां पर स्पेस एनकाउंटर होगी हम वाई माइनस माइनस कर देंगे, जैसे ही स्पेस एनकाउंटर होगी हम वाई माइनस माइनस कर देंगे, और उसके बाद इसी में एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ वाई इज इक्वल टू जीरो एफ इज इक्वल टू वन, और फिर यहां पे कंडीशन लगा दी कि इफ एफ इज इक्वल टू वन प्रिंट इफ डबल कोट्स के अंदर परसेंट सी कॉमा एस एक्स,
छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है, एग्जीक्यूट करके तो बहुत सारी एरर दिखा दी। फर्स्ट लूप में कॉमा नल करके के बाद में कॉमा यूज किया। हाँ एफ गेट ले लिया है मैंने, एक सेकेंड। सर आपने जहाँ वाई को जीरो इनिशियलाइज किया वहां सेमीकोलन नहीं लगाया। एक सेकेंड, चल गया। यहां नहीं होगा या यहां पे x प्लस प्लस कर देते हैं और उसके बाद y की वैल्यू वन कर देते हैं। से रन करना पड़ेगा, ऑनलाइन में यही दिक्कत है। बात समझ में आई बेटा? यहां पे देख रहे हो के ये दो बार आ रहा है, यहां पर x प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको करके देते हैं, रन क्यों नहीं हो रहा यार ये चीज से। भाई फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मैंने कहीं कॉपी भी नहीं किया था। लमसम आपको समझ में आया वो चीज? यस सर आ गया। यस सर। तो अब हम जरा देख लेते हैं जो हम लोगों का असाइनमेंट है उसमें एक दूसरी चीज भी है। इसमें कोई ऐसा चीज जो आप नहीं कर पाएंगे? पांच सवाल है ये, सर ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा फिर पूछ लेंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या देखने से कोई ऐसा सवाल लग रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर?
ये बताइए किसी भी सेंटेंस में अगर नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना हो तो कैसे बनाएंगे प्रोग्राम? लूप चला देंगे, एक कोई काउंटर वेरिएबल ले लेंगे, उसको प्लस प्लस चला देंगे लूप के अंदर, लूप के अंदर नल कैरेक्टर तक, नल कैरेक्टर तक नंबर ऑफ वर्ड्स निकल आएंगे। यस सर, जीरो से नल कैरेक्टर तक चलाएंगे तो काउंटर वेरिएबल प्लस प्लस हो जाएगा। देखो जितने नंबर ऑफ लगाई, जितने नंबर ऑफ स्पेस होते हैं उससे एक ज्यादा वर्ड होता है। तुमने लूप चला के सिर्फ प्लस प्लस कर दिया और तुम्हारे नंबर ऑफ वर्ड्स निकल आएंगे। सर काउंटर में प्लस प्लस किया बेटा, उससे लेंथ निकलेगी। काउंटर में प्लस प्लस क्या होता है? नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके सर, सर स्पेस से फिर टर्मिनेट कराना पड़ेगा। जैसे राइट ए प्रोग्राम लिखा है, इसमें कितने वर्ड हैं? सर तीन। तो आपको कैसे पता लगा? राइट के बाद स्पेस है, ए के बाद स्पेस है, प्रोग्राम के बाद कुछ नहीं है। तो यानी जितने स्पेस होते हैं उससे प्लस वन होता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर। अब जैसे आशीष अवस्थी जैसा नाम आपने लिख रहे हैं, इसमें कितने वर्ड है? दो वर्ड। क्यों भाई क्यों? क्योंकि एक स्पेस है ना। यस सर, दो दो वर्ड के बीच में एक स्पेस आएगा। हाँ, तो आप नंबर ऑफ स्पेस काउंट कर लो, उसका प्लस वन कर लोगे, उतने वर्ड हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है सर। यस ठीक है। तो इसके बाद हम काम और कर लेते हैं। जैसे आप लोग कह रहे थे कि सॉर्टिंग आप लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें कोई ऐसा चीज तो है नहीं जिसमें सॉर्टिंग करनी है। और इसके अलावा जो आपका अगला असाइनमेंट है। अच्छा, ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, वो कैसे करेंगे? कोई आइडिया दे सकता है? सर उल्टा लूप स्टार्ट करेंगे, मतलब लास्ट लास्ट से स्टार्टिंग तक। Each word in reverse order है। Each word in reverse order का मतलब समझ रहे हैं सर? एक example मतलब इसको words को reverse में count करना होगा। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं एक से। एक example बस आप लिख के दे दीजिए उसके screen पे। हम अभी example लिखे दे रहे हैं सर, रुक जाइए बस एक second। Notepad पे कहाँ गया मैं, उसको ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। अब जैसे ये notepad दिख रहा है ना, मैंने लिखा this is this a, भाई क्या है, एक ऐप ऑन। अच्छा, दिस इज बॉय, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा एस आई एच टी, फिर प्रिंट करेगा एस आई, फिर प्रिंट करेगा वाई ओ बी। आप समझ में आया? यस सर। यस सर, आप बताओ कैसे करेंगे सर? एक वर्ड को एक वर्ड तक, फिर दिस तक पहुंचेंगे, फिर दिस के लिए ही सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम उल्टा लूप चला देंगे, तो फिर वो आ जाएगा। और फिर जब इस तक पहुंचोगे तो फिर उस लूप जो चलाओगे वो कहां तक चलाओगे? सर इसको कर देंगे। क्या करेंगे सर? वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, लास्ट वाला जो हमारा लूप जहाँ पे स्टॉप हो रहा है वहाँ उसकी, उस लूप की जो वैल्यू आएगी उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उससे और फिर उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में करके, और फिर जो हमारा मतलब नेक्स्ट लूप है वो उस पर्टिकुलर वर्ड के प्लस वन से फिर से स्टार्ट करेंगे, तो वो इस पे चला जाएगा। किसी को कुछ और बोलना है? दीपक आप कुछ बोलना है? सिंपल कंसेप्ट इतना है कि थोड़ी सी लॉजिक समझ में आ जाती है तो प्रोग्राम बनता है फिर बाद में, नहीं तो बाद में ये लगता है कि अरे ये क्या आ गया नया चीज। आप तो सब घर पे बैठे हो, पहले तो कम से कम यहाँ रहते थे तो एक दूसरे से डिस्कस करके भी कुछ कर लेते थे। मैं देखता था भाई अगल बगल डिस्कस कर लेते थे। सर इसमें हर वर्ड की इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन को
दो वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर लास्ट पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक लूप चला देंगे। मतलब एक एक दो 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 या तीन लूप चलाएंगे, लूप के अंदर अंदर लूप है। हाँ ब्रेक करेंगे, सही अंदर एक वो लूप फिर ये मुझे ही आवाज कट कट के आ रही है, सबको आवाज के लिए पहले वर्टिकली से जीरो स्टार्टिंग हो जाएगी, फिर वो तब तो तक ये चलेगा जब तक नेक्स्ट स्पेस ना जाए, तो एंडिंग हमें हमें स्पेस से एक कम मिलेगी एंडिंग पोजीशन। एसटीआर लेंथ से लेंथ निकाल करके फिर लेंथ को हम लूप में डाल करके माइनस माइनस करते जाएं तो उससे रिवर्स हो सकता है। किसकी लेंथ? स्ट्रिंग की लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ का मतलब समझते हो क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब उसमें जितने भी वर्ड्स हैं। स्ट्रिंग की लेंथ अगर निकालोगे तो ये पूरा सेंटेंस रिवर्स होगा। स्ट्रिंग की लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब उस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लूडिंग द स्पेसेस, इंक्लूडिंग अगर कोई और स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज किया है तो वो सब जुड़ जाता है उसमें। लेंथ का मतलब ये होता है, लेंथ का मतलब ये नहीं होता किसी अलग अलग वर्ड की लेंथ अलग बताएगा। अगर आप अलग अलग वर्ड निकाल लें तो अलग बात है, अगर आप किसी तरीके से अपनी मेहनत करके अपनी लॉजिक लगा के आपने एक वर्ड अलग निकाल लिया, जैसे आपने सर ने लिखा था दिस इज बॉय, अगर आपने दिस अलग निकाल लिया फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप दिस की लेंथ निकाल लीजिए ठीक, और उसको उल्टा चला दीजिए। और उस केस में भी अगर बात करें तो आपने स्ट्रिंग थोड़ी ना बनाई, आपने तो बस प्रिंट कर दिया, पर चलिए पहले प्रिंट ही कर लीजिएगा उतना ही बहुत है। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समझ लिया करो, देखा करो कि हाँ लॉजिक मेरे दिमाग में बन रही है, और लॉजिक बनाने का एक कंसेप्ट ये भी है कि हाँ जो लॉजिक में सोच रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसको बोलना नहीं है उसको वहां पे करना है, उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए सोचना। नहीं ये तो हमने कह दिया कि हाँ इनिशियल निकाल देंगे और फाइनल निकाल देंगे, अब ये इनिशियल और फाइनल दोनों किस तरीके से लेंगे वेरिएबल्स में, ठीक है वो भी हमारे लिए सोचना है। इनिशियल फाइनल लेने के लिए हमारे पास जो फाइनल होगा वो अगली बार का इनिशियल होगा, वो भी इनिशियल नहीं होगा, उसमें प्लस वन होगा। और अगर सर के एग्जाम्पल को मैं और ज्यादा खराब कर दूं तो मैं कह दूंगा दिस और दिस के आगे 10 स्पेस डाल दूंगा, फिर लिख दूंगा इज, और फिर उसके आगे 10 स्पेस डाल दूंगा और फिर लिख दूंगा बॉय, तो वो भी बेकार हो जाएगा, फिर तो तुम नंबर ऑफ वर्ड्स भी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स तुम किस लॉजिक पे कैलकुलेट करते हो बताओ? स्पेस के लॉजिक पे। तो तुम्हारे हिसाब से तो 30 या 34, 32 के आसपास वर्ड्स हो जाएंगे। इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो कोई भी लॉजिक जब सोचते हैं ना तो उसमें ये भी सोचते हैं क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं। हम ये तो हमारा बोलना आसान होता है, पर जब उसको लिखना पड़ता है ना तो उसके लिए चार कंसेप्ट और लगाने पड़ते हैं, तो क्या हम उन सब चीजों को प्रॉपरली लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये अगर हम सोचते हुए चल रहे। आपके पास एक कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, या तो प्रैक्टिकल लिखने के लिए होना चाहिए, या तो सामने लैपटॉप हो या कॉपी पेंसिल हो जिससे आप थोड़ी बहुत लॉजिक लिख के देखते रहे कि हाँ क्या ये चीज अगर ऐसे करेंगे तो क्या ऐसे होगा वैसे होगा, तो ही आप लोग, और यही सब बेसिक है जो आप इस समय पढ़ रहे हो, जब सेकेंड ईयर के उसमें जाओगे ना तो यही सब पूछा जाएगा और इसी सब पे प्रोग्राम बनवाए जाएंगे। और कुछ नहीं।
तो इसको ध्यान से सोचो और समझो। तो लगता है कोई कर पाएगा? मशियत आप हैं? यस सर। बताइए कुछ। सर हम लोग एक लूप लगाएंगे सर, जो नॉर्मल लूप लगाते हैं जीरो से जब तक कि हमें नल नहीं मिलता है, उसके बाद उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाएंगे और हर एक इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यू है उसको चेक करेंगे। अगर वो नल नहीं है तो उसको एक छोटे सबस्ट्रिंग में स्टोर करेंगे और तब तक स्टोर करेंगे जब तक हमारा नल अकर नहीं होता है, तब तक हमारा मतलब एक वर्ड हमारा उसमें स्टोर हो जाएगा। और उसके अंदर नीचे काउंटर भी लगाते रहेंगे, तो जितनी बार भी हमारा एलिमेंट स्टोर हो रहा है हमारा काउंटर इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो वो हमारी उस वर्ड की लेंथ निकाल देगा। फिर जब हमारा पूरा लूप, फिर उसके बाद जब हमारा नल वाली कंडीशन फॉल्स होती, मतलब हमें नल अकर हो जाता है, तब हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे और जो हमने काउंटर लगाया था उससे हम लूप चालू करेंगे और अपना जो वर्ड की लेंथ जो होगी, तो वो जो हमारी लास्ट लेंथ होगी वो हमारा लास्ट एलिमेंट लास्ट अल्फाबेट होगा, उससे हम उसको रिवर्स में स्टोर कर लेंगे, वापस फिर से स्टोर करेंगे। यस सर। सर पहले हमने जब तक कि हमें स्पेस नहीं मिला हमने एक वर्ड को निकाला अपनी पूरी स्ट्रिंग में से और उसके बाद हमने उसका लेंथ फाइंड किया और उसके बाद हमने सर उस लेंथ से उल्टा लूप चला करके उसको रिवर्स में स्टोर कर लिया। निकाला का मतलब क्या हुआ सर? मतलब पूरी स्ट्रिंग एक साथ दी और हमें एक एक इंडिविजुअल वर्ड को रिवर्स करना, लाइक पूरा तो नहीं करना है, दिस दिस की जगह पे रहेगा लेकिन दिस खुद में एक कैसे निकालेंगे सर? जैसे कि सर जो पहला लूप चला जीरो सर, निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या लिखेंगे? निकाला मतलब कैसे लिखेंगे? वही तो बताया था कि सर आई सर लूप चलाएंगे हम जीरो से लेकर के जब तक नल नहीं होता है और आई को हम बार बार चेक करेंगे कि वो नल है कि नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो हम उसे स्टोर करते जाएंगे, क्योंकि मतलब अगर वो स्पेस के बराबर इसमें स्टोर करेंगे सर एक सबस्ट्रिंग में छोटी। सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है? एक नया कैरेक्टर वेरिएबल। हाँ एक नया एक स्ट्रिंग कैरेक्टर का एरे लेंगे। इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा, क्या वो पोजीशन लूप से कंट्रोल होगी? जो नया कैरेक्टर एरे ले रहे हैं उसका पोजीशन क्या लूप से कंट्रोल होगा? सर कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि सर हम उसकी लेंथ भी साथ बाय जब हम एक वर्ड निकाल रहे हैं तो सर हम उसकी लेंथ भी साथ में साथ निकाले क्योंकि हमने एक नीचे काउंटर लगा रखा हुआ है। नहीं आप जो नया वर्ड बना रहे हो, आपने जैसे THIS है तो THIS मतलब एक नया कैरेक्टर वेरिएबल, आपने कोई न्यू ले लिया उसके अंदर उसके CH1 ले लिया, उसके जीरो वेरिएबल पे जीरो पोजीशन पे T आएगा, वन वेरिएबल पे H आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे जाएगा ना। तो आपका ये जो 01 इसका है न्यू नया जो कैरेक्टर वेरिएबल है, इसके जो इंडेक्स पोजीशंस हैं क्या ये लूप वेरिएबल से कंट्रोल हो जाएंगे? अगर हम लूप वेरिएबल को इसमें डाल दें कि हाँ न्यू वेरिएबल मान लो CH1 है तो CH1 के एक्स पे वो वैल्यू स्टोर कर दो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना? हो जाएगा देखो पहली बात तुम्हारा दिस में चला जाएगा और दिस के आगे जब इस पे जाओगे तो इसका आई जो होगा वो CH1 के जीरो पे होगा। यस सर। तो क्या एक्स की वैल्यू उस समय जीरो है? नो सर। तो फिर कैसे हो पाएगा? समझ में आई बात? तो इसीलिए कह रहा हूँ जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सी चेंजेस आते हैं जो आपके दिमाग में नहीं आएंगे और जब जब प्रोग्राम बनाएंगे तब भी आएंगे बहुत कुछ। तो यही सब चीजें जब कॉपी पे लिख लिख के थोड़ा थोड़ा चलाते रहोगे तो दिमाग उतना उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है? कोशिश करना, बनेगा तो है ही, क्वेश्चन तो सारे होंगे। yes, आपने बना दिया क्या? ये शेयर नहीं हो रही है क्या? नहीं सर देख रहे यहाँ तक तो लिखा है, यहाँ से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा वो वर्ड। अब उसको रिवर्स करके प्रिंट ही तो करना है। यहाँ पे हमने एक और लूप लगा ली फॉर y इक्वल टू जीरो सेमी कोलन सॉरी फॉर y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं
यहां पे ले रहे हैं k इज इक्वल टू एस टी आर लेन पी, इससे पहले एस टी आर लेन नहीं निकाल पाएंगे और उससे पहले यहाँ पे हमको एक और चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, केवल हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ये प्रोग्राम बढ़ाऊंगा तो मैं तीन चार प्रोग्राम बढ़ा दूंगा अभी, तो रहन दीजिए सर। अरे का है सर, रहन दीजिए। अभिनव नायक जी आप हैं कि नहीं है? देखूं जरा है कि नहीं है। सर अभिनव नायक है? ये दो पहले। अच्छा दिख तो रहे हैं इसमें। अभिनव आप हैं भी कि नहीं है? तो बस लगा के चला गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगली बार से अटेंडेंस तब तक नहीं मिलेगी जब तक वीडियो ऑन नहीं होगा। नहीं नहीं रुक जाइए अभय राज सिंह प्रेजेंट सर। अभी रुकिए मैं अटेंडेंस लेता हूँ एक मिनट। अभिनव नायक एब्सेंट हो गया भाई ये। अभिषेक कुमार दुबे यस सर। अभिषेक विश्वकर्मा प्रेजेंट सर। अजीत भी नहीं है। अनन्या प्रेजेंट सर। अनिकेत सर। अंकिता प्रेजेंट सर। अनुष्का अंकुश मिश्रा सॉरी प्रेजेंट सर। अशरा सुहेल अनुज वर्मा यस सर। यस सर। अनुष्का सिंह अनुष्का भी नहीं है। आरती चौरसिया यस सर। आशीष यादव प्रेजेंट सर। आशुतोष ओझा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आशुतोष ओझा प्रेजेंट सर। आयुषी मिश्रा प्रेजेंट सर। देव कुमार यस सर। दीक्षा करे प्रेजेंट सर। दीपक यादव प्रेजेंट सर। गौरव सिंह यस सर प्रेजेंट। हिमानी बंसल एब्सेंट। काशिफ यस सर। काव्या अंजू यादव यस सर। कुंदन मौर्या यस सर। सर आई एम प्रेजेंट। अभिनव नायक प्रेजेंट है सर। है सर अभिनव नायक प्रेजेंट हूँ सर। जब मैंने पूछा तब तो तुमने नहीं बोला ना। अरे सर नेटवर्क इशू था मेरा, मैं था ऑनलाइन ही था। नेटवर्क इशू था कि कॉल कोई इशू था? हिमानी का भी नेटवर्क इशू था पता नहीं सर, मेरा जो था मैंने बता दिया सर। मैं प्रेजेंट था और ऑनलाइन भी था सर। ऑनलाइन तो यार मैं भी रहता हूँ, तुम देखते नहीं हो हर समय? सर देखा हूँ सर, पूरी क्लास किया हूँ आपकी। सर कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं सर? रिवर्स करने वाला तो कुछ इंडेंटेशन एरर आ रही है, कोई एरर आ रही है, रुक जाओ इसको भी करता हूँ। अभिनव को इनपुट दो। सर देख रहा हूँ वही सर। तुम तो कह रहे हो मैं तब से देख रहा हूँ।
कौन सी है 9 और 27 तो ब्रैकेट एक गड़बड़ दिखा रहा है वो 27 है तो मैंने कब अभी मुझे लगता है सर सर को अनम्यूट करने का परमिशन नहीं है हेलो हेलो सर नवनीत बोला था अटेंडेंस सर मेरी हो गई क्योंकि नेटवर्क इशू कर रहा है सर वन वन का है ऑफिशियल लैब वन वन की है तो अटेंडेंस वन वन की हुई है सर मैंने अटेंडेंस बोला था अनुष्का सिंह अगर बोला होगा तो जरूर लगी होगी नहीं सर मैंने अंकुश पे बोला था बट सर मेरी वॉइस नहीं जा रही थी उस टाइम नहीं सर एक्चुअली ये फोन लगा था मैं ऐसे बोल रही थी उससे प्रॉब्लम हो गई थी ऐसे ही होगी अटेंडेंस गड़बड़ा जाएगा तो फिर रह जाएगी नहीं सर मैंने आपने एक बार अंकुश भी अनुष्का बोला तो मैंने उस पर भी प्रेजेंट बोला था बट सर वो वॉइस इसमें एरर क्यों आ रही है तो कौन सी लाइन पे आ रही है एक तो 9 पे दिखा रहा है ये किसी एक ब्रैकेट कहीं कम लगा है ब्रैकेटिंग गड़बड़ है मेरे को लग रहा है आईएनटी मेन है फॉर है इफ है बंद है एल शुरू किया एल आईएनटी है ना बाद फिर अपने एल्स बंद किया और फॉर बंद किया ना रिटर्न जीरो के आगे सेमीकोलन लगाइए रन नहीं हो रहा यार अजीब बेवकूफी ऑनलाइन एडिटर में कॉपी कर लीजिए सर कॉपी उधर है पीछे पूरा लॉजिक तो बता देंगे उनको लॉजिक तो समझ गए हैं लोग कहीं ब्रैकेट गड़बड़े सर ब्रैकेट आप मैच करिए देखिए ये इसका ब्रैकेट इफ का देखिए इफ का ब्रैकेट ये एल्स का ब्रैकेट यहाँ फॉर का ये खत्म हुआ एल्स का ये खत्म हुआ और ये फॉर का ये खत्म हुआ तो सर उसके बाद वो नहीं बंद हुआ ना मेन का उसके बाद मेन बंद हुआ अब तो बंद हो गए सारे अंदर नहीं गया अच्छा आ गया स्पेस पर रह गया बेस उल्टा हो गया इस भी उल्टा हो गया बुक क्यों नहीं हुआ चलो ये बताओ कोई बताओ भाई बुक क्यों नहीं हुआ हिमानी अभिनव यस सर कुछ बताओ आ गया अच्छा नहीं लग रहा होगा अभी देखो नहीं कुछ नहीं आपने जैसे ही बोला होगा आ गया आधे ज्यादा लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके तुरंत रखा होगा सर इससे फायदा नहीं हुआ है एक काम और कर लेंगे ना अभी सीधे से इनसे कहते हैं कोई समझा दे हमको कौन समझाएगा क्या गया देखो
वो बैठे बैठे बना दिया, तुम लोग कह रहे थे समय लग रहा है नहीं है। हाँ सर, वो लूप के ऊपर आपने अभी 10th लाइन पे क्या किया? एसटीआर कैट किया, तो हर वर्ड के बाद ब्लैंक स्पेस आ रही है, लास्ट पर तो ब्लैंक स्पेस आ नहीं रही है। नो सर, तो इसलिए लास्ट का वर्ड ट्रेस नहीं हो रहा था, उल्टा नहीं हो रहा था। बात समझ आई? देखो लास्ट वर्ड क्यों नहीं आ रहा था, लास्ट वर्ड इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि सर स्पेस से कैलकुलेट कर रहे थे। सर ने शुरू में बोला ना कि जब नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको स्पेस प्लस वन करना है, क्योंकि आपका जो लास्ट वर्ड होता है उसके बाद स्पेस नहीं आती, उसके बीच में तो स्पेसेस होती है, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेस की जरूरत थी, तो उन्होंने सर ने किया क्या, जो आपका स्ट्रिंग था उस स्ट्रिंग में लास्ट में एक स्पेस कॉन्कैटिनेट करा लिया पहले। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है उसमें ऐड करा लिया, उसमें आगे जोड़ लिया। ये कितने लोग कोई भला आदमी है इसको ड्राई रन करके दिखा देगा? भाई कोई ड्राई रन करके बता देगा इसका? हिमानी हो कि फिर से तुम्हारा नेटवर्क इश्यू आ गया? सर ओरली बताना है जी, बता। नहीं मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दे दूं? अरे नहीं ऐसे ही बताओ चलो पहले। यस सर, फर्स्ट इसमें हमने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग एंटर कराया, फिर स्ट्रिंग एंटर कराने के बाद हमारा एसटीआर कैट फंक्शन है जो कि हमारा स्पेस ऐड कर रहा है लास्ट में स्ट्रिंग के। देन उसके बाद सर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, हमारा जो लूप है वो फर्स्ट कैरेक्टर पे जाएगा टी पे, फिर यहाँ से जाने के बाद वो चेक यहाँ से चेक करेगा कि वो लास्ट में नल तो नहीं है, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे नेक्स्ट इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर स्पेस नहीं है तो हमने एक न्यू एरे लिया है जिसमें हम स्टोर करा देंगे उस वेरिएबल उस कैरेक्टर को। सो कैरेक्टर उसमें ऐड कराने के बाद देन हम काउंटर को प्लस प्लस कर रहे हैं, काउंटर प्लस प्लस करने के बाद फिर से हमारा एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स जैसे ही इंक्रीज होगा वो एच पे जाएगा और फिर वो चेक करेगा कि स्पेस अगर इफ इट इज नॉट इक्वल टू स्पेस देन इट विल ऐड कैरेक्टर h टू। अगर हम नेचुरल एक्चुअली बात करें तो बस इतना बता सकते हो कि इफ में क्या करने की कोशिश हो रही है? सर इफ में बस वो चेक कर रहे कि स्पेस तो नहीं है। इफ को क्यों लगाया गया है वहां पे, इफ की जरूरत क्या, इफ के अंदर जो भी चीज हो रही है उससे क्या होगा एक्चुअली? फिर से जॉइन करेंगे इसको, एक्सट्रैक्ट होगा सर, वर्ल्ड एक्सट्रैक्ट ओके हमारा जो पीटी वाले में आ जाएगा। हम कह रहे हैं फिर से कुछ एक राउंड फिर से चलेगा, आगे बोलते जाइए। यस सर, जैसे ही हमारा फर्स्ट वर्ड इसमें एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा फिर जब वो ये चेक करेगा दिस के बाद हमारा स्पेस है तो वो एल्स पार्ट पे चलाएगा। सर एल्स पार्ट पे आने के बाद फिर सर else part पे आने के बाद PT में हमने null डाल दिया है। null क्यों डाला है? PT में null नहीं डाला है, P के